उन ले बट नवंबर सेकंड और अब यह फाइनल इज द लास्ट डेट सो गाइज वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल दी एंड क्योंकि स्टेप बाई स्टेप कंप्लीट प्रोसेस के बारे में कैसे आपको ऑप्शन देने हैं जनरल फॉर्म और दल सी टी फॉर्म ओके दोनों के बारे में इन डिटेल बात करने वाले सो लेट स्टार्ट द वाइज वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द बेड सीटी एंड एल सी सो इफर प्रिपरेशन फॉर टूज ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस। यू कैन जॉइन अर क्लास रूम एट मुंबई एंड यूसो ट्रैक लाइव विथ सो कॉल ऑन एट ए टू एट फाइव एट वन फोर फाइव फाइव और डॉट कॉम स्लैश बी एड एंट्रेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द ऑफिशियल वेबसाइट एंड इट से ऑप्शन फॉर्म फिलिंग इज स्टार्टेड टिल टेंवंबर चुका आपके सामने क्योंकि कॉलेज की जो लिस्ट थी यहां हमें नॉट अप्रूवेस में बहुत सारे कॉलेजेस दिख रहे थे अब आप सर्च कॉलेजेस में जाओगे सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी पूरे कॉलेजेस की सी ऑल कॉलेजेस अपडेटेड ओवर ईयर ये जो है गाइस, दिस इज द मेथड्स। आप मराठी के थ्रू इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री इन सारी मेथड के थ्रू इस पर्टिकुलर कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो ओके okay, इस कॉलेज का मीडियम है मराठी वैसे आपको चेक करना है स्टेटस क्या है कॉलेज टाइप क्या है इनटेक कितना है सब कुछ देख लो उसके बाद में डिसाइड करना ऑफ नवंबर काफी टाइम है अपने पास आज है फिफ्थ ऑफ नवंबर ओके सो पहले तो ये वीडियो को एंड तक देखना है एक दो दिन बफर टाइम लेना है और उसके बाद ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना है क्योंकि देखो एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आपने फिल कर दिया है और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेरीफाइड भी हो चुके हैं मेरी सबसे बात भी हो चुकी है नाउ उसे कुछ नहीं करना है एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड है हाथ भी मत लगाओ अब डायरेक्ट ऑप्शन फॉर्म के ऊपर आओ इन केस अगर आपको लगता है कैटेगरी चेंज करना है कुछ डिटेल्स चेंज करनी है देन यू कैन डू द करेक्शन लेकिन सीधा कर लो लॉग इन नाउ इट एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड हो चुके हैं अब मुझे एप्लीकेशन फॉर्म को हाथ ही नहीं लगाना ऑप्शन फॉर्म जनरल नॉट फिल्ड ऑप्शन फॉर्म ई एलसीडी नॉट फिल्ड ऑल दो कैंडिडेट्स वू वॉन्ट एडमिशन इन ओनली इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस देन गाइज आपको क्या करना है सिर्फ ई एल सी टी के लिए ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना है आप जनरल फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो भी चलेगा ऑल दोज कैंडिडेट जो मराठी मीडियम हिंदी मीडियम गुजराती या उर्दू मीडियम के लिए देख रहे हैं देन अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव मीडियम आपको वो कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है जैसे कि मैंने बता दिया मराठी मीडियम की कुछ कॉलेजेस है कुछ इंग्लिश मीडियम की है कुछ हिंदी मीडियम की है तो वो कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है सी ऑप्शन फॉर्म जनरल क्या कहता है सेट मेथड प्रेफरेंसेस पहले प्रेफरेंस मेथड कैसे होनी चाहिए वो चूज करनी है फिर शॉर्टलिस्ट ऑप्शंस ऑप्शन देने आपको सेट प्रेफरेंसेस उनको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे आप प्रेफरेंसेस दे सकते हो किसको प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट एंड आफ्टर लॉक ऑप्शन फॉर्म आप ऑप्शन फॉर्म अपना लॉक कर सकते हो सेम मैं बात करूंगा ई के बारे में अप्लाई फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस आपको ये yes सेलेक्ट करना है सेट मेथड प्रेफरेंस शॉर्टलिज ऑप्शन सेट प्रेफरेंस लॉक ऑप्शन फॉर्म सब कुछ हो चुका है इन केस द कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म मुझे अभी भी चेंज करना है देन अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करो ठीक है बस अनलॉक हो जाएगा फिर बाद में आप एडिट कर सकते हो नाउ कम टू द जनरल फॉर्म ओके सेट प्रेफरेंस मेथड सो यहाँ जो मेरी प्रेफरेंस मेथड है कंप्यूटर आईटी और इंजीनियरिंग चूज की गई है सो so, मैंने यहाँ क्लिक कर लिया सेट प्रेफरेंस मेथड पर ठीक है और यहां मैंने कर दिया सेवन नेक्स्ट कंफर्म नाउ अप्लाइड मैथड कौन सी है कंप्यूटर आई इंजीनियरिंग वाई मैं दूसरी मैथड नहीं चूज कर पा रहा हूँ क्योंकि जो ग्रेजुएशन डिटेल्स मैंने फिल की है वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है कंप्यूटर आईटी और इंजीनियरिंग में ठीक है इसके लिए मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ इनकेस वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने बी किया है बी किया है बी किया है या फिर स्कूल लेवल सब्जेक्ट्स में किया तो उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं so, सो यहाँ मेरी जो सेट प्रेफरेंस मेथड है ऑब्वियसली एक ही है मैं चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अलग मैंने यहाँ क्लिक कर दिया सेवन नेक्स्ट पे क्लिक किया कंफर्म यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है अब मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी के सपोज़ कुछ कॉलेजेस चाहिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूँ ऑल में रख देता हूँ ठीक है सर्च कॉलेजेस अब ये सारे कॉलेजेस मेरे सामने आ गई हैं काफ़ी सिंपल प्रोसेस है इस ओके okay? बस चलो मैं यहाँ कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि मैंने यहा कुछ colleges select See, यहाँ कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट किए सी यहाँ आपको मीडियम क्या दिख रहा है मराठी मराठी हिंदी मीडियम राइट अगेन हिंदी मीडियम मराठी मीडियम ठीक है अब ये जो मुंबई की कॉलेजेस है इसमें जो लिस्ट है मराठी और हिंदी मीडियम के कॉलेजेस है सिर्फ दैट मीन्स जनरल का ये ऑप्शन फॉर्म है ठीक है इस पर्टिकुलर मीडियम से आपका बी होने वाला है अब यहां मैंने कुछ कॉलेजेस तीन सेलेक्ट किए एड सेलेक्टेड ऑप्शंस एडिट सक्सेसफुली ओके कर लिया ठीक है स्क्रोल डाउन करो यहां मेरे चार ऑप्शन आ गए ठीक है सेवन नेक्स्ट पे मैंने यहाँ क्लिक किया अब मुझे क्या करना है इनको प्रेफरेंसेस देना है वन टू थ्री फोर ये मैंने प्रेफरेंसेस दे दिए अब मुझे क्या करना है सेवन नेक्स्ट जैसे मैं सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा दैट मीन्स फाइनल अब मुझे ऑप्शन आएगा Confirm. तो confirm करूंगा, ये मेरा जनरल का फॉर्म फिलअप हो गया इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस से करना करना चाहते हैं आपको यह करना ही होगा ठीक है मेथड आ चुकी है हमारे सामने जैसे कि हमने जनरल फॉर्म में देखा था राइट सेट प्रेफरेंस मेथड मैंने सेलेक्ट कर लिए सेव एंड नेक्स्ट करने जा रहा हूं नाउ आफ्टर एंड नेक्स्ट बटन क्लिक Your all options filled previously for ELCT colleges will be deleted. Are you sure you want to proceed? Yes, क्योंकि हमने प्रीवियसली कोई ऑप्शन दिए ही नहीं अभी तक right? So यह कंफर्म कर लिया Now see, select university. आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है वापस वैसे ही प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मीडियम कॉलेज टाइप सर्च कॉलेजेस अब ये सारी कॉलेजेस की लिस्ट आ गई है मुंबई यूनिवर्सिटी की नाव सी आपको यहाँ एक भी हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम दिख रहा है नहीं क्यों क्योंकि ये सारी इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस है सी ओके यहां आप उनके सीट इनटेक अगर आप रेस्पेक्टिव माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी कॉलेजेस भी देख सकते हो आप अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेज एडेड माइनॉरिटी कॉलेज ठीक है उनके लिए कट ऑफ कम होता है मीन्स यहाँ सीट जो है वो माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए काफी ज्यादा होती है दैट्स कट ऑफ थोड़ा कम आ जाता है ओके okay? सो so, यहाँ आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है जैसे कि मैंने यहाँ कॉलेजेस सेलेक्ट कर ली कुछ ओके okay? अब ये सारे मेरे प्रेफरेंसेस हैं ओके एंड दे आफ्टर आई विल चूज ट सेलेक्टेड ऑप्शन तो सेलेक्टेड ऑप्शन सक्सेसफुली सो दीज आर माइ नाइन ऑप्शन ओके सो ये सारे कॉलेजेस मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए सेवन नेक्स्ट कर लिया मैंने अब आना है सेट प्रेफरेंस मेथड पर फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस ऑनली ठीक है तो ये मेरे प्रेफरेंसेस हो गए तो so, मैंने फर्स्ट दे दिया ऐसे चॉइस सेकेंड थर्ड फोर्थ ओके सो जो मैक्सिमम चांसेस हो गए वो फर्स्ट कॉलेज में हो गया आपके एडमिशन के द आफ्टर कट ऑफ अगर क्लियर नहीं होता है देख सेकंड के लिए ऑप्शन जाएगा देन थर्ड के लिए फिर आप फ्रीज एंड बेटरमेंट के जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हो उसके बारे में मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा गाइज ओके डोंट वरी एट ऑल नाउ सेव एंड नेक्स्ट जैसे मैंने प्रेफरेंसेस दे दिए देखो प्रेफरेंस मेथड लिस्ट आ गई मेरे सामने वन कंप्यूटर आई इंजीनियरिंग ये बता दिया है सेकेंड ये सारे मेरे ऑप्शन हो गए नाउ आई हैव टू क्लिक ओवर यर एंड कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म वंस आपने ऑप्शन फॉर्म कंफर्म कर लिया अब ये कॉलेज सारी कंसिडर की जाएगी आपके एडमिशन के लिए ओके गाइस काफी सिंपल प्रोसेस है यहां बस क्लिक करना है कंफर्म ऑप्शन फॉर्म दैट मीन्स वो लॉक हो चुका है और इसकी आपको एक प्रिंट ले लेनी है जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए थी 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 ओके दैट ऑल फॉर्म माई साइड कुछ डाउट कमेंट सेक्शन विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी एवरीज ओके एंड यस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड वो शेयर टू ऑल ऑफ येंड्स एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ बहुत सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आने वाले यू कैन फॉलो अस ऑन फॉलोअ्यूब फेसबुक इंस्टा एंड कैन ऑसो जोन टेलीग्राम ग्रुप That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next.